अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 7 का जस्ट आज हमने इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन में देखिएगा स्टूडेंट्स के चैप्टर नंबर 7.1 एक्सरसाइज में जो चीज़ें यूज होंगी उनका जस्ट आज हमने डेफिनेशंस को देखना है और डेफिनेशंस को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले है स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ऐसी क्वांटिटी द क्वांटिटी विच पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड, यानी हर वो क्वांटिटी जिसका जस्ट मैग्नीट्यूड गिवन हो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद है वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच पोजेसेस ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन भी गिवन हो और उसका मैग्नीट्यूड भी गिवन हो उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद है मैग्नीट्यूड क्या होता है और नॉर्म क्या होता है। मैग्नीट्यूड आर नॉर्म ऑफ द वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड आर नॉर्म ऑफ द वेक्टर्स, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड आर नॉर्म ऑफ द वेक्टर। यानी किसी भी वेक्टर का अगर हम एब्सोल्यूट लेते हैं तो वो एब्सोल्यूट की जो वैल्यू होगी वो उस वेक्टर का क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा या नॉर्म होगा। इसके बाद है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, हर वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। इक्वल वेक्टर्स, द टू वेक्टर्स ए एंड बी आर साइड टू बी इक्वल्स, कब टू वेक्टर्स इक्वल्स होंगे, अगर उन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो। ऐसे दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो इन ऐसे दो वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, अब टू वेक्टर्स जो है वो पैरेलल कब होंगी स्टूडेंट्स, दो वेक्टर्स पैरेलल उस वक्त होंगी कि अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के स्केलर मल्टीपल के इक्वल हो। मतलब है आपके पास एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर ए और बी कब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, पैरेलल कब होंगे, ये दो वेक्टर उस वक्त पैरेलल होंगे अगर वेक्टर ए जो है वो इक्वल हो स्केलर मल्टीपल ऑफ बी। यानी कि कोई भी स्केलर हो सकता है, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के स्केलर मल्टीपल के इक्वल आ जाए तो दो वेक्टर क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। उसके बाद है स्टूडेंट्स एडिशन एंड सब्स्ट्रक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं और कैसे हमने उसको सब्स्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे टू लॉज चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट जो है वो लॉ ऑफ ट्राइंगल है और सेकंड जो है वो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम है। अब लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं आपने उनका सम फाइंड करना है, तो दो वेक्टर का सम हम कब उस पर लॉ ऑफ ट्राइंगल यूज करेंगे और कब उस पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर टू वेक्टर्स गिवन है और दोनों वेक्टर्स का जो है वो स्टार्टिंग, यानी एक वेक्टर का जो है वो इनिशियल पॉइंट, ठीक है, दूसरे वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक वेक्टर आपका यह जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो ए यानी ओ ए, और दूसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर ए के यानी ओ ए के टर्मिनल से स्टार्ट हो रहा है। किस पॉइंट से, इस पॉइंट को जहां से वेक्टर स्टार्ट होता है इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल साइड होती है और ये उसकी टर्मिनल साइड होती है। अगर दूसरा वेक्टर जो है वो वेक्टर ओ ए के टर्मिनल साइड से स्टार्ट हो तो वहां पे हमने क्या करना है, लॉ ऑफ ट्राइंगल को यूज करना है। और लॉ ऑफ ट्राइंगल क्या होगी, ये एक ऐसा वेक्टर होगा जो ओ से स्टार्ट होगा और बी यानी इस पॉइंट पे जाके मिलेगा और ये इसे ये जो वेक्टर ओ बी होगा ये दोनों का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। यानी वेक्टर ओ बी जो होगा वो आपका ओ बी इज इक्वल टू होगा ओ ए प्लस ए बी, ठीक है। यहां पे हमने करना है लॉ ऑफ ट्राइंगल को यूज। अब लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को कहां यूज करना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को हम यहां पे यूज करेंगे अगर टू वेक्टर्स गिवन हैं आपको, ठीक है, और दो वेक्टर्स ऐसे गिवन हैं कि एक वेक्टर्स का इनिशियल साइड जहां पे एक जिस पॉइंट से हम एक वेक्टर को खींच रहे हैं ड्रा कर रहे हैं दूसरा वेक्टर भी उसी पॉइंट से हम ड्रा करें। यानी फॉर एग्जांपल ये आपके पास पॉइंट ओ है, एक वेक्टर हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ओ ए, ठीक है, OA. इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, OA. सेकेंड वेक्टर जो हो कोई और वेक्टर आपके पास है वो भी इसी पॉइंट से स्टार्ट हो B. तो यहां पे हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करना है। और वो कैसे होगा, वो यहां से इसी पॉइंट से एक वेक्टर हम लेंगे, ठीक है, जो इन दो वेक्टर्स को डॉटेड निशान से हम आपस में मिला देंगे और ये वेक्टर जो होगा P, ठीक है,
ये इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। ये वेक्टर OP जो है वो OA और OB के रिजल्टेंट के इक्वल होगा, यानी सम ऑफ, यानी OP जो वेक्टर है वो किसके इक्वल होगा, OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर्स। तो स्टूडेंट्स समझ आ गई होगी लॉ ऑफ ट्रायंगल कहां पे यूज करना है। दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वेक्टर उसी वेक्टर के टर्मिनल पॉइंट से अगर स्टार्ट हो तो वहां पे लॉ ऑफ ट्रायंगल को यूज करना है। और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को कहां पे यूज करना है, अगर दो वेक्टर्स गिवन हो और दोनों वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो तो वहां पे हमने क्या करना है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम को यूज करना है। इसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, मैग्नीट्यूड हो गया, नॉर्म हो गया, ठीक है। यानी कोई भी वेक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होता है। क्या मतलब है कि किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होगा बट ऑलवेज पॉजिटिव होगा। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड जीरो भी हो सकता है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का उस वक्त जीरो हो सकता है जब वो वेक्टर खुद जीरो हो। अगर वेक्टर खुद जीरो हो तो उसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा, अदरवाइज वेक्टर कोई भी हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, जो भी हो, लेकिन जब हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन जीरो आएगा। सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेक्टर, यानी कोई भी कॉन्स्टेंट है आपका, कोई भी स्केलर है, कोई भी स्केलर है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी स्केलर हो सकता है, जब वो किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं वेक्टर का और उस स्केलर का, जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसका जब हम मैग्नीट्यूड लेते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्केलर डॉट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेक्टर। क्या मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ स्केलर की, यानी स्केलर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो वो आपके पास पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि जो भी नंबर एब्सोल्यूट के अंदर आ जाता है एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी है वो उसको पॉजिटिव बना देती है। इसके बाद है रेशो फार्मूला। रेशो फार्मूला को भी हमने चैप्टर नंबर 7.1 में डिस्कस करना है और इसका भी यूज है 7.1 में, ठीक है। एक्सरसाइज करने से पहले ये चीजें लाजमी हमें करना होगी और इन चीजों को समझना होगा। जब ये चीजें हमें समझ आएगी तभी हम एक्सरसाइज 7.1 को शुरू कर सकते हैं और उसको समझने में आसानी होगी। तो देखिएगा स्टूडेंट्स रेशो फार्मूला क्या होता है। रेशो फार्मूले में यह है कि अगर आपके पास दो वैक्टर्स हैं, वैक्टर ओ ए एंड वैक्टर ओ बी, और दोनों वेक्टर्स के पोजीशन वेक्टर गिवन है, ठीक है। जैसा कि देखें मैंने डायग्राम बना दी, वेक्टर OA का पोजीशन वेक्टर A है, वेक्टर OB का पोजीशन वेक्टर B है। अब देखें स्टूडेंट्स दोनों का पोजीशन क्या है, दोनों की स्टार्टिंग पॉइंट सेम है इसका और इसका। तो देखें एक वेक्टर AB जो दोनों वेक्टर्स को आपस में मिला रहा है, ठीक है। अब यहां इसी पॉइंट पोजीशन वेक्टर जीरो पॉइंट से, यानी इनिशियल पॉइंट से हमने एक वेक्टर ड्रा करना है, पी वेक्टर पी ड्रा करना है जो ए बी को इंटरसेक्ट करता है पी और क्यू की रेशो से। ए बी को इंटरसेक्ट करता है, डिवाइड करता है पी और क्यू की रेशो से। अब रेशो फार्मूला ये है, डायरेक्शन रेशो गिवन है ओ ए की, डायरेक्शन रेशो गिवन है ओ बी की, ये आर जो है ये डायरेक्शन रेशो है ओ पी की, ठीक है। हमने यही डायरेक्शन रेशियो फाइंड करनी है आर, कि आर जो है यानी ओपी का जो डायरेक्शन रेशियो है ये हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये फार्मूला है आर इज इक्वल टू क्यू ए प्लस पी बी ओवर पी प्लस क्यू। ये हमने कैसे फाइंड करना है, शॉर्ट ट्रिक है कि देखें डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओ ए, ठीक है, यहां पे इस वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियो है ना वो इस पॉइंट से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस पॉइंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसके डायरेक्शन रेशो को इस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों को ऐड कर देना है, बटा ये जो रेशो है और ये रेशो दोनों का सम बटा में लिख देंगे, ठीक है। यानी फॉर एग्जांपल आपके पास यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, तो 2 को हमने b से मल्टीप्लाई करना है, 3 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, a से मल्टीप्लाई करना है, और 3 2 का सम लेके नीचे लिख देना है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशो होगा, यानी डायरेक्शन रेशो की कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपने उसको ऐसे सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स
ये तो जस्ट शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था 7.1 का. अब अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हमने 7.1 स्टार्ट करनी है. उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ आ गई होगी. इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज़.